हेलो स्टूडेंट्स, अपन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मैं आपको फूड कंपोनेंट्स पढ़ा रही थी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन सी, चार फूड कंपोनेंट अपन ने कर लिए थे। आज अपन करेंगे फिफ्थ फूड कंपोनेंट, मिनरल्स। लास्ट मेरे वीडियोस में मैंने विटामिन्स पढ़ाए थे, उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज में मैंने आपको बताया था जीरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस है इसको नाइटेलोपिया भी कहा जाता है। तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था जीरोप्थेल्मिया है, और ब्रैकेट में मैंने बताया था कि नाइट ब्लाइंडनेस सेम है। तो ये दोनों के दोनों डिजीज क्या होती है, अलग अलग है, डिफरेंट है। जीरोप्थेल्मिया है, इसके अंदर क्या है, आइज है, वो टीयर्स प्रोड्यूस करने में फेल होती हैं, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, जीरोप्थेल्मिया। और नाइट ब्लाइंडनेस है, उसके अंदर क्या है, नाइट के अंदर सही से दिखाई नहीं देता है। तो WHO है, उसने जीरोप्थेल्मिया की क्लासेस डिवाइड की है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जीरोप्थेल्मिया है उसकी एक क्लास हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये आप चेंज कर लेना, दोनों टर्म क्या है, अलग अलग है। जीरोप्थेल्मिया है उसकी आगे कंटिन्यू अगर रहे तो वो किस में चेंज हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर चेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट अपन आज इसमें करेंगे फिफ्थ फूड कंपोनेंट, मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स और वाटर, ये कैसे फूड कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक टाइप के। ऑर्गेनिक टाइप के कौन कौन से थे, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ये कैसे हैं इनऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस हैं, फूड में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसके अलावा बॉडी में होने वाली शारीरिक क्रियाओं के लिए ये भी क्या है, अति आवश्यक होते हैं या बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत कम मात्रा में फूड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होने पर भी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस या मैकेनिज्म होती है उनके लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं। सोर्स इनके होते हैं फूड जो अपन लेते हैं और वाटर, दोनों के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कोबाल्ट, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के सही तरीके से वर्क करने के लिए जरूरी होते हैं। जो कैल्शियम आयन्स हैं वो क्या है, टीथ के फॉर्मेशन के लिए, बोन के फॉर्मेशन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी जरूरी होता है। मैग्नीशियम आयन है, एंजाइमेटिक कई रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम आयन जरूरी होता है। सोडियम आयन्स हैं, नर्व्स के, मसल्स के सही तरीके से वर्क करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा ये ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। पोटेशियम आयन जो होते हैं ये हार्ट बीट के नियमन में या रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। फास्फोरस है, ये भी बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। इसके अलावा ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी होता है। कोबाल्ट जो है वो बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है।
आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये फिफ्थ फूड पार्टिकल्स थे मिनरल्स। नेक्स्ट सिक्स्थ है इसके अंदर वाटर। वाटर अपनी बॉडी के सारी क्रियाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, फूड कंपोनेंट हो गए। नेक्स्ट अपने को मेन जो इसमें पढ़ना है वो है डाइजेशन, कि बॉडी के अंदर डाइजेशन किस प्रकार से होता है उसकी अपने को फिजियोलॉजी की स्टडी करनी है। तो इसकी स्टडी करने से पहले अपन देखते हैं कि डाइजेशन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने प्रकार का डाइजेशन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। तो सिंपल अपन डेफिनेशन अगर देखें डाइजेशन की, तो डाइजेशन के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, सिंपल फूड पार्टिकल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। सिंपल फूड पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे तो वो बॉडी के सेल्स के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। अलग से अगर अपन डेफिनेशन देखें डाइजेशन की, तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय विच फूड इज ब्रोकन अप फिजिकली एज बाय द एक्शन ऑफ द टीथ एंड केमिकली एज बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स एंड कन्वर्टेड इनटू ए सब्सटेंस सूटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इन द बॉडी। तो डाइजेशन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होने वाली प्रोसेस है जिसके अंदर फूड पर फिजिकली और केमिकली एक्शन किए जाते हैं। फिजिकली कैसे हो सकते हैं, टीथ के द्वारा, और केमिकली किसके द्वारा होंगे, एंजाइम्स के द्वारा, जिसके वजह से जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सूटेबल सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा जो इजीली एब्जॉर्ब और एसिमिलेट किया जा सकता है बॉडी के थ्रू। तो ये भी डाइजेशन की डेफिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट अपन इसमें करेंगे टाइप्स ऑफ डाइजेशन की, एनिमल्स हैं उनमें कितने प्रकार का पाचन प्रेजेंट होता है। तो एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन, या इसको कह सकते हैं अपन अंतरकोशिकीय पाचन, और दूसरा होता है इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या बाह्य कोशिकीय पाचन। तो दो प्रकार का डाइजेशन अपने को एनिमल्स में देखने को मिलेगा, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब यहाँ पे एक टर्म है इंट्रा सेलुलर, इसके अलावा एक टर्म होती है इंटर सेलुलर, इंटरसेलुलर या अंतरा कोशिकीय। अब क्या होता है, इंट्रासेलुलर, अंतर कोशिकीय या अंतः कोशिकीय। इंट्रा का मतलब क्या है, सेल के अंदर की कंडीशन, अंदर की कंडीशन क्या होगी, इंट्रा से रिलेटेड होगी। और इंटरसेलुलर क्या होता है, दो सेल्स होती है उनके बीच की अपने को पोजीशन बतानी हो तो वो किससे रिलेटेड होगी, वो होगी इंटर सेलुलर। तो कोशिका के अंदर की अपन को कंडीशन बतानी है तो अपन क्या टर्म यूज करेंगे, इंट्रा। और दो सेल्स के बीच की अगर अपने को पोजीशन बतानी है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंटर सेलुलर। तो फर्स्ट अपन इसमें करेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है एनिमल्स में, तो इंट्रा का मतलब है सेल के अंदर, तो कोशिका के अंदर होने वाला डाइजेशन क्या हो गया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यह है डाइजेशन सेल के अंदर
होता है, या यह डाइजेशन की प्रोसेस सेल के अंदर होती है। इस प्रकार का जो डाइजेशन है उसके अंदर सेल क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा फूड को अंदर ग्रहण करती है। इस प्रकार के डाइजेशन में सेल फैगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा भोजन या फूड ग्रहण करती है। और फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के द्वारा भोजन ग्रहण करेगी तो उस भोजन की आगे क्या बन जाएंगी, वैक्यूल्स बन जाएंगी। उन वैक्यूल्स को अपन क्या कह देंगे, फूड वैक्यूल्स। मान लो कि कोई भी एनिमल है जैसे कि अमीबा है, इसके पास में यहाँ पे कोई ये फूड पार्टिकल है, तो सॉलिड अगर फूड पार्टिकल है तो उसको ग्रहण करने की प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। और कोई लिक्विड फूड पार्टिकल अगर कोई एनिमल ग्रहण कर रहा है बाहर से तो उसको ग्रहण करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस है, इसको कोशिका पायन भी कहते हैं, यानी कि सेल के पीने की प्रोसेस एक तरीके से अपन ऐसे समझ सकते हैं। और फैगोसाइटोसिस है, इसको कोशिका भक्षाणु या भक्षकाणु प्रोसेस भी कहते हैं, कि कोशिका है उसके खाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड फूड पार्टिकल है, इसको क्या है, अमीबा ग्रहण कर रहा है। तो अमीबा ग्रहण करता है तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन, यहाँ पे ये क्या है, फूड पार्टिकल है और ये क्या बन गई, इसके चारों तरफ वैक्यूल, तो ये हो गई फूड वैक्यूल और ये हो गए फूड पार्टिकल्स। आगे ये जो फूड पार्टिकल्स हैं या ये फूड वैक्यूल है, ये किससे अटैच हो जाती है, लाइसोसोम से अटैच हो जाती है। और लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इन फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन करते हैं। तो जो इस प्रकार का डाइजेशन है उसमें सेल है वो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करती है। इसमें फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, इन फूड वैक्यूल्स है इनके अंदर ही डाइजेशन की प्रोसेस होगी। और ये डाइजेशन है ये किसके थ्रू होता है, जो लाइसोसोम होता है वो अटैच हो जाएगा इन फूड वैक्यूल्स से। तो ये डाइजेशन किसकी वजह से होगा, लाइसोसोम। और लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, इंट्रा का मतलब हो गया सेल के अंदर डाइजेशन, तो ये डाइजेशन सेल के अंदर होता है। इस प्रकार के डाइजेशन में क्या है, सेल फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा फूड ग्रहण करती है, जिसके फलस्वरूप इसमें फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो फूड वैक्यूल्स होगी इनसे लाइसोसोम अटैच हो जाएगा। लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड का डाइजेशन करेंगे, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इन वैक्यूल्स के द्वारा ही एनिमल की पूरी बॉडी में एसिमिलेट किया जाता है, और उसके थ्रू ही क्या है, इन एनिमल्स को एनर्जी मिलती है। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और इस तरह का जो डाइजेशन है वो किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके, प्रोटोजोवंस, पोरीफेरंस, सिलेंट्रेट्स,
एंड सम मोलस्कंस एक्सेट्रा, इन सब के अंदर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें सेकंड है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या बाह्य कोशिकीय पाचन, तो शेल के बाहर होने वाले डाइजेशन को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो शेल के बाहर हो रहा है तो वो कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, शेल के बाहर एलिमेंट्री कैनाल में होने वाला डाइजेशन क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इस प्रकार के डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स में होने वाली एक्टिविटी की वजह से एंजाइम्स हैं वो पूरे भोजन पर क्रिया कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है ये किस में प्रेजेंट रहता है, मोलस्क में प्रेजेंट रहेगा, एनलीड्स में प्रेजेंट रहता है, आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट रहता है, इकाइनोडर्मेट्स में प्रेजेंट रहता है और कोर्डेट्स में प्रेजेंट रहता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन फाइलम के एनिमल्स में अपने को देखने को मिलता है। और इसमें भोजन के ऑक्सीकरण से सेल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है एलिमेंट्री कैनाल में वो एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन के थ्रू किस में पहुंच जाएगा, सेल के अंदर पहुंच जाता है। और सेल है उसमें ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बनती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो सेल में फूड के ऑक्सीडेशन के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि कोशिका से बाहर होने वाले डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। बाहर कहाँ पे होगा, एलिमेंट्री के नाम है उसकी कैविटी के अंदर होने वाला डाइजेशन। मोलस्क, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेट्स, कोर्डेट्स, इनमें इस तरह का डाइजेशन देखने को मिलता है। इस तरह का जो डाइजेशन होगा उसमें एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन होने के बाद में वो फूड एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब और एसिमिलेट होके कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी की सेल्स के अंदर चला जाता है। सेल्स में फूड के ऑक्सीडेशन से किसका निर्माण हो जाता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गए डाइजेशन के टाइप्स। नेक्स्ट अपन करते हैं डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है लगभग सब वर्टिब्रेट्स में समान होती है। और डाइजेशन के अंदर जो एंजाइम्स काम में आते हैं वो एंजाइम्स कैसे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें लगभग जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो सेम होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन किया गया है कि डाइजेशन में जो एंजाइम्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो वो कैसे होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। इसके अलावा अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर देखें तो किसी भी वर्टिब्रेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है
उसके दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं उसको, ए कर सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा कर सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल है, इसके पार्ट्स हो जाएंगे माउथ, ईसोफेगस, माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस। ये पार्ट हो गए किसके, इसके एलिमेंट्री कैनाल के। डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सेसरी ग्लैंड के रूप में इसमें प्रेजेंट रहती है सेलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास। ये क्या होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स होते हैं। तो किसी भी वर्टिब्रेट का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो उसके दो पार्ट होंगे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो जाएंगे माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस। और डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं सेलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास। अब एलिमेंट्री कैनाल है, एक होती है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एक होती है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो जो प्लेटीहेलमिंथीस एनिमल हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इनकम्प्लीट प्रकार की होती है। इनकम्प्लीट अपन एलिमेंट्री कैनाल को कब कहेंगे, जब उसमें सिर्फ माउथ प्रेजेंट हो, एनस अब्सेंट हो। तो इस तरह की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कौन सी होंगी, जिनमें माउथ भी प्रेजेंट हो और एनस भी प्रेजेंट हो, तो वो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट अपन आगे डिटेल में पूरी फिजियोलॉजी हर एक ऑर्गन में देखेंगे कि माउथ में कौन से एंजाइम होते हैं, इसोफेगस में कैसे डाइजेशन होता है, स्टमक इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है और कौन कौन से इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।